एमआई वाई का सिस्टम ऐप्स में नया अपडेट है जो कि आप ज़्यादातर रेडमी शाओमी और पोको डिवाइस में ये ऐप्स को अपडेट करके नया फीचर्स को या नहीं तो आपका स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगा। तो करना है वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो, पसंद आता वीडियो और ऑब्वियसली आप अपडेट अब नया फीचर आएगा तो पसंद आएगा, नहीं आया तो भी यार लाइक मारो क्योंकि ऑब्वियसली अपडेट तो है और वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता है। जाओ सपोर्ट करो, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो। फर्स्ट ऐप जो कि मेरे को लगता है कि आपको आपका डिवाइस में अपडेट कर लेना चाहिए जो कि आपका ऐप वॉल्ट में नया अपडेट है और अपडेट के साथ आपको कुछ नया ऐसा फीचर तो नहीं बट आपको थोड़ा सा जो यूआई में चेंजेस देखने मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं आपका जो साइट का बॉर्डर्स है वो आपको थोड़ा सा और जो है सेंटर में लाया गया है और वो आपको नया अपडेट में देखने मिलता है। और ऐप वॉल्ट अभी आपका परफेक्टली काम करेगा अपडेट करने के बाद जो कि आप अपडेट करके ट्राई कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली रेडमी शाओमी पोको डिवाइस में हो जाना चाहिए अपडेट और एमआई वी 13-14 सही में आराम से हो जाएगा अपडेट। तो अगर आपको अपडेट करना है इस ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऐप वॉल्ट का जाइए डाउनलोड कीजिए और अपडेट कीजिए। और फिर आपका चाहता है सेकेंड ऐप, चूँकि सेकेंड ऐप भी आपको अपडेट करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा जो है उतना मेरे को अच्छा नहीं लगता है आप बट हाँ ये ऐप में अगर आपको यूज़ करते हो तो कर लीजिए जो कि आपका गेट ऐप्स है। गेट ऐप्स में आपको ज़्यादातर अनसर्न ऐप्स का जो है प्रमोशन देखने मिल जाएगा और ये शाओमी की तरफ से प्ले स्टोर है जो कि शाओमी का प्ले स्टोर है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं ऐप स्टोर। तो इसमें आपको देख सकते हैं अपडेट्स भी देखने मिलता है ऐप्स का जो कि आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली प्ले स्टोर को मतलब सजेस्ट करूँगा आपको बट अगर आपको ये ऐप पसंद है इसमें आपको सिस्टम ऐप्स कभी अपडेट देखने मिल जाता है तो आप इसको जो है डाउनलोड मतलब अपडेट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कीजिए अपडेट कीजिए। और बाकी आपको सेटिंग्स में अपडेट नोटिफिकेशन शो द नंबर ऑफ ऐप्स अपडेट ऑन जो है गेट ऐप्स आइकन जो कि आप उसको डिसेबल कर लीजिए, फोकट में आपको जो है हमेशा नोटिफिकेशन जैसा दिखते रहेगा। तो मेरे को पर्सनली ये ऐप उतना अच्छा भी नहीं लगता बट ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है, चल जाएगा, कभी कभार काम आ जाता है ये ऐप। कुछ ऐप जो कि बैन है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली अभी भी तक और डायरेक्टली उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। थर्ड ऐप सिक्योरिटी ऐप है जो कि आपको आपका डिवाइस में अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि आप अगर इसको अपडेट कीजिए तो आपको जो है ज़्यादातर आपका बैटरी इशूज़ फिक्स होता हुआ देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये ऐप आपका बैटरी हैंडल करता है, आपका फ़ोन का जो ऑप्टिमाइजेशन को हैंडल करता है थोड़ा बहुत, तो आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए। तो अपडेट कीजिए, आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आपका डिवाइस में देखने को मिलेगा और काफ़ी दिन बाद आपको सिक्योरिटी में ग्लोबल अपडेट देखने को मिला है और इसमें आपको जो साइड बार भी देखने को मिल जाएगा नॉन सपोर्टेड डिवाइस मतलब जिसमें कि आपका 4G वाला डिवाइस था उसमें आपका जो साइड बार भी आ जाएगा तो उसको आप अपडेट कर लीजिए। और बाकी जैसे कि आपका सेटिंग्स में ऐसा कुछ नया ऑप्शन नहीं अनेबल हुआ है जो कि आपका पहले से था वही आपको देखने को मिलता है जैसे कि 5G बैटरी सेवर अल्ट्रा बैटरी सेवर और बाकी जैसे कि बैटरी ड्रेन नोटिफिकेशन ये सब सिनेरियो ये सब आपको पहले से देखने को मिलता है, अभी भी देखने को मिल रहा है। और अपडेट के साथ आपको थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा बैटरी बैकअप तो अपडेट कर लीजिए और बस यही है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट ऐप आपका जो है थीम ऐप है जिसमें कि आपको कुछ नया फीचर देखने को मिला फाइनली जो कि फीचर तो नहीं बोल सकते बट हाँ विजेट्स है जो कि आपको अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस में भी नया देखने को मिल जाएगा तो ये आपको अपडेट कर लेना चाहिए, नया विजेट्स आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में जाइए तो ऐसा कुछ नया ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, थीम ऐप में भी आपको कुछ नया नहीं देखने को मिलता है बट अगर आप होल्ड करके जाइएगा विजेट्स में तो आपको जो है थीम रिकमेंडेशन न्यू कैटेगरी न्यू रिंगिंग टोन और ये सब ऑप्शंस आपको देखने मिल जाता है जो कि आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं आपका डिवाइस में। ऐड विजेट में जाइएगा और होल्ड करके रहिएगा तो आपको होम स्क्रीन और ऐप वॉल्ट में ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए नया ऐप विजेट्स थीम ऐप का तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छा ऐप ओवरऑल जो है अपडेट आया। तो अगर आपको अपडेट करना है सभी ऐप्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए अपडेट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो और ये ऐप्स का जो है सीरीज पसंद आया, चाहिए लाइक मारिए, लाइक की 120 रखते कंप्लीट करो यार, जाओ थोड़ा सा हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में रखो, सपोर्ट करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ सजेस्ट करना नीचे कॉमेंट करो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।